भाई गलत पंगा ले लिया आज तो मैंने, लगता है फुल हैवी वाली आंधी चली हुई है इस टाइम पे, धूल ही धूल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं एक्सपल्स की राइड पर। तो भाई इसमें बचा है अभी एक पॉइंट और ये चल चुकी है 255 किलोमीटर 255। तो गाइज एक पॉइंट बचा हुआ है, पहली टंकी हमने इसकी फिल कराई थी जिस टाइम ली थी। अब अभी ब्लिंक तो नहीं करा लेकिन ये है कि भाई इसे करा लेते हैं फुल। तो पहले में ये है कि भाई फर्स्ट टाइम जैसे फर्स्ट टैंक फुल में गाड़ी को बाइक को जब चलाते हैं तो एवरेज इतनी निकलती है, क्योंकि मैंने तो फिर भी थोड़ी रफ चलाई है। बाकी स्टार्टिंग में इसमें दिखा रही थी भाई 800 किलोमीटर, मतलब कि जब फुल टैंक था ना उस टाइम पे 800 किलोमीटर बाइक दिखा रही थी, लेकिन हम ट्रैक पे भी चलाई ये वाली बाइक और वैसे भी ऑफ रोड ही हुआ है ज़्यादा तो ना इससे, तो अभी फ्यूल डला लेते हैं। तो गाइस टैंक फुल कराते हैं और देखते हैं कि भाई कितना पेट्रोल इसमें आने वाला है, क्योंकि अभी एक पॉइंट बचा हुआ है। तो कल जब हम ऑफ रोडिंग कर रहे थे, ट्रैक पे बाइक चला रहे थे, तो उस टाइम पे ये वाला पॉइंट भी ब्लिंक कर रहा था। और स्टार्टिंग में जब फर्स्ट पहले टैंक फुल कराया था तो उस टाइम हुआ था भाई 1100 रुपये की टैंक फुल, 1100 रुपये का टैंक फुल हुआ था और 2 लीटर पेट्रोल शोरूम से अपने को मिला था। तो अभी देखते हैं इसमें कितना आता है। वेटिंग 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 वेटिंग, पेट्रोल के दाम कहाँ जाके रुकेंगे। 97 और बूसा में तो हमें डलवाना पड़ेगा, वैसे भी फुल कर दो भाई, मेरे हिसाब से आना चाहिए इसमें 800 के आसपास। लो भाई 718, 800, 900 पूरा हो गया 1015 का, मतलब फर्स्ट कट लगा और ये पूरा टैंक हो गया अपना फुल। तो अभी लगाते हैं इसे, लेकिन गाइस बारिश का मौसम और वेदर बहुत अच्छा है अभी, तो एक लॉन्ग ड्राइव का अपना मन था तो लॉन्ग ड्राइव पे हम निकल चुके हैं। और एक अभी हमें जाना था कहीं, कुछ देखना था, कहीं इवेंट चल रहा था कुछ, बाकी वहाँ की वीडियो शूट नहीं करेंगे, बस वो मैं देखने के लिए जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं बाइक पे जा रहा हूँ क्योंकि मौसम ना काफ़ी अच्छा हो रहा है भाई। यार इसमें ना बस बाइक में दिक्कत है लाइट की, ये देखो भाई लाइट तो ना के बराबर है यार, पता ही नहीं चलता। बाकी ये कि इवेंट पे जाने के बाद मैं जाने वाला हूँ अपने सिस्टर के घर पे और वहीं रुकेंगे भाई रात को। तो अभी मैं फरीदाबाद जा रहा हूँ, टाइम हो गए भाई 7:21, तो वहाँ से निकल के रुकेंगे सिस्टर के वहाँ और वहाँ से आएंगे भाई सुबह। तो अभी चलते और थोड़ा राइड का लेते हैं मज़ा। ट्रैफिक है ना गाइस क्या ही बताए भाई, और सामने टोल आने वाला है, वहाँ तो बुरा हाल होने वाला है। तो मैं सोच रहा था थोड़ी से लगाते हैं आज, बट वैसे भी यार गाइस ये ना 100 तक जाती है लास्ट, मैंने भगा के देखी, उससे ऊपर ले जाना भाई सेफ भी नहीं है। लाइट वेट बाइक है तो उससे ऊपर ले जाने में भाई रिक्स है, या तो आपने पूरी राइडिंग गियर वगैरह पहने हो तो 1% सोच सकते कि भाई चला ले। बाकी यार अपनी लाइफ एक बार मिलती है, मेरे हिसाब से तो रिक्स लेना नहीं चाहिए बिना वजह। कहीं तो ये हो जाता है कि भाई रिक्स लोगे तो ही बात बनेगी। और ट्रैफिक देख लो भाई कितना हो रखा है, ये अपना GFR रोड वाला टोल है और यहाँ देखो भाई कितनी भीड़ है यार। लेकिन हम तो भाई बाइकर है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, अपने लिए तो खाली है रे। लेकिन अभी मैं जैसे करीब मेरे को 3-4 दिन हो गए ऐसे चलाते हुए बाइक को, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो चुका है। मतलब पहले अगर मैं शायद जैसे काफ़ी टाइम से बाइक नहीं चला रहा था तो यहाँ से निकालने के लिए ना मेरे को पैर रखने पड़ते, और अभी अपनी बाइक बढ़िया जा रही है भाई। और कल गाइस जो मैंने भाई ट्रैक पे बाइक चलाई ना यार, एक जंप आया था, वो पता नहीं वीडियो में तो शायद इतना जज नहीं कर पा रहे होंगे आप लोग, बट मतलब मैं राइड कर रहा था ना तो भाई मेरे को फील ऐसा हुआ कि पता नहीं 6-7-8 फुट में हाइट पे होऊंगा, बट मज़ा आया कल। तो वो कंटिन्यू करेंगे अपना ट्रैक पे जाना दोबारा, अभी इस वीक
बिजी है हम, उसके बाद वहाँ की वीडियो दोबारा अपनी बनानी शुरू करेंगे, क्योंकि इस वीक अपनी भाई मतलब कि जो ये आने वाला वीक है भूसा की डिलीवरी भी हो जाएगी। आई होप कि भाई शायद वेडनेसडे तक हो जाए, और डिलीवरी के बाद भाई दो चार दिन तो यार भूसा चलानी बनती है ना, तो कुछ दिन बाइक और उसके बाद प्रॉपर फिर इस पर फोकस करेंगे और पूरी मॉडिफिकेशन इसमें करानी है। तो ये बाइक आई है अपनी भाई मॉडिफिकेशन कराने के लिए ही, ये पूरी डर्ट बाइक पूरी रैली बाइक बनानी है। वैसे भी रैली किट तो लगा के दी हुई है, बस अपने को टायर चेंज कराने इसके और रैली सीट डलवानी है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है। और सबसे अच्छी बात इस बाइक की ये है कि भाई कम इन्वेस्टमेंट में और भाई मज़ा पूरा, मतलब कि कुछ हो भी जाए, जैसे कि मैंने शायद अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो जिसमें मैं बाइक मेरे एक फ्रेंड से गिर गई थी, तो ये जो ब्रेक लीवर है, ब्रेक लीवर चेंज कराया मैंने 97 रुपीज़ ओनली, मतलब यार अच्छा था भाई, सिर्फ 97 में चेंज हो गया गाइज। लेकिन बाइक का एक प्लस पॉइंट है भाई, ट्रैफिक हो तो साइड से जगह मिल जाती है निकलने के लिए, और गाड़ी में हो तो वेट करना पड़ेगा। तो अभी पीछे बहुत सारा ट्रैफिक था, हमने ऐसे साइड से ना पूरा क्रॉस कर लिया, बट अच्छा यार बाइक पे अच्छा फील होता है। जैसे आज ना भाई बारिश का मौसम है पूरा, तो बस मैं ये हाथ जोड़ रहा हूँ कि बारिश ना हो जाए, बाकी फील इस टाइम पे जो बाइक पे है ना वो गाड़ी में नहीं आएगी। तो गाइस जैसे अभी मौसम की मैं बता ही रहा था, तो ये तो भाई पूरा भयंकर सीन हो गया, ये देखो भाई तूफान आ चुका है यहाँ पे, और मैंने राइडिंग गियर वगैरह भी नहीं पहने हुए, मैं ऐसे बस निकला था कि मैं कह यार मौसम अच्छा है तो थोड़ा जाएंगे, बाकी अभी बढ़िया वाला तूफान आ गया भाई, पूरी ना आगे धूल उड़ रही है। मेरे को नहीं पता GoPro में आपको दिख पा रहा है कि नहीं, मैं एक बार क्लीन और कर देता हूँ GoPro को। तो भाई अभी देखो शायद अगर आपको दिख रहा हो, बहुत बढ़िया वाली ना तूफान आ चुका है इस टाइम पे। ओए होए 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 होए, जल्दी से हमें पहुँचना पड़ेगा, इतनी तेज हवा चल रही है ना गाइस, ये देखो भाई भयंकर फुल खतरनाक गाइस। भाई गलत पंगा ले लिया आज तो मैंने, लगता है फुल हैवी वाली आंधी चली हुई है इस टाइम पे, धूल ही धूल, और एक तो सामने ना ये बड़ा सा ट्रक जा रहा है, ये और ज़्यादा धूल उड़ा रहे हैं। बाइक से देखो भाई कितनी धूल आ रही है, तो ट्रक की तो सोच ही सकते हो आप। तो इससे निकलते पहले आगे बड़े ध्यान से, भाई ये बाबा है जो मंदिर वाले, तो पूरा मेला निकल रहा है, घोड़े ऊंट, और भैया इस तरफ चल रहा है डीजे, मज़ा आ रहा है, और जोत वगैरह लेके चल रहे, और मैं बिलीव नहीं कर सकता भाई इतनी तेज कलश यात्रा निकल रही है गाइस, कोई ना तो पूरी कलश यात्रा निकल रही है, देखो कितनी भीड़ है भाई, कितनी भीड़ है, मेरे हिसाब से हजारों में जनता होगी पूरे, देखो ये देखो बढ़िया डीजे वीजे के साथ पूरे खतरनाक भाई बढ़िया। ओए होए 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 होए, ये देखो, और अभी तो आ रहे पीछे और लोग आ रहे भाई, अभी और लोग आ रहे पीछे, ये देखो पूरा ना भाई हजारों की भीड़ है, कलश कई हजार कलश, और झाके टाइप निकाल रहे हैं, तो अभी तो चल ही रही है इधर। तो भाई ये ना ये क्या होता है कि जो वो मंदिर था, तो ये क्या करेंगे उस मंदिर के ना एक परिक्रमा लगाते हैं, तो करीब 3-4 किलोमीटर या अगर ज़्यादा भी जगह हो सकती है उसमें बैठता है पूरा। भाई देखो प्रशासन भी खड़ा हुआ है, और पीछे भाई अभी तो ना बहुत भीड़ है पीछे तक, पूरा बढ़िया बहुत बढ़िया भीड़, और ऐसे तूफान चल रहा है, और हमें निकलना है भाई यहाँ से, तो हम आगे निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ देखो भाई सिचुएशन हो गई थोड़ी ऐसी, आगे चलते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली। गाइस गलत पंगा ले लिया आज राइड करके भाई, फुल खतरनाक तूफान यार, और एक तो ना यू टर्न मतलब सीधा जाना था, तो
तो सीधा रास्ता बंद करा हुआ था, तो अभी अपने को ना आगे से वापस आना पड़ेगा घूम के। और भाई हवा देखो कितनी तेज चल रही है। मेरा मन था कि यार राइडिंग जैकेट पहन लेता हूँ, बट मैंने नहीं पहनी। मैंने कहा यार घूमेंगे ऐसे ही, थोड़ा जाएंगे, अच्छा लगेगा। मेरे को नहीं पता था इतनी खतरनाक वाला तूफान आ जाएगा। गाइज वंस अगेन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो भाई सुबह सुबह नहीं यार 11:48 सुबह के, तो मैं सो के लेट उठा था, सिस्टर के यहाँ आ गया था। और भाई ये देखो भाई व्यू देखो यार, क्या ही बढ़िया, पूरी ग्रीनरी दोनों तरफ। और इतनी ग्रीनरी तब है तब मतलब गेहूं वगैरह निकल चुके हैं। बट ये जो रास्ता है ना भाई अपने आप में ही बढ़िया। अब मुझे नहीं पता बढ़िया से आप देख पा रहे हो कि नहीं। तो अभी यहाँ से मेरे को जाना है एक बार फरीदाबाद पहले, और हल्की हल्की बारिश आनी भी स्टार्ट, बस आज तूफान ना आए, बाकी सब ठीक है। तो बाकी सब ठीक है, सब चल रहा है, और हम भी चल रहे हैं भाई वापस एक बार कोट में, गांव में थोड़ा सा। तो फरीदाबाद सेक्टर 12 पहले कोट जाना है, और उसके बाद चलेंगे घर की तरफ। बट इतना है कि आज मतलब कल मैं बाइक लेके आया यहाँ, तो अपनी बाइक 40-50 किलोमीटर चल गई, तो उससे एक अच्छा इस बाइक को लेके मेरा वो बन गया कि भाई हाँ कंट्रोलिंग अच्छी हो गई अपनी इस बाइक पर ना। तो और अगर थोड़ा रेगुलर चलाएंगे तो बढ़िया हो जाएगी चीज़ें। अभी हम हैं फरीदाबाद, और ये है एक फरीदाबाद का अट्रैक्शन पॉइंट जो कि लगता है भाई सीपी की तरह। तो ये कुछ ऐसा बनाया हुआ है, ये पूरी एक मार्केट बनी हुई है। तो यहाँ पर भी शाम के टाइम ही भाई बहुत भीड़ होती है, लोग वहाँ आते हैं, तो भी इसे क्रॉस कर रहे हैं। और तो गाइस ट्रैफिक इतना हो रहा है आगे तक, देखो भाई सारा पूरा ना जाम है, तो मैं वहाँ तक फंसा हुआ हूँ। और साइड में अपने स्कूल के बच्चों की बस आए, और ये देखो भाई सारे बच्चे पढ़ाई ये, तो स्कूल की छुट्टी हुई है अभी चारों तरफ है ना अपने, 1, 2, 3, 4 मतलब सारी ना भाई आगे तक पूरे स्कूल की बस है। तो संजू तनवर व्लॉग्स, तो भाई बच्चे पूछ रहे हैं चैनल का नाम, तो दिखा देते हैं बच्चों को। तो भाई साहब पूरा सीन हो गया, इधर भी बच्चे दूसरी तरफ भी इधर बच्चे, तो दोनों तरफ ना भाई मतलब बच्चे ना ऐसे देख रहे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ट्रैफिक में पसीने आ गए बहुत ज़्यादा, तो अभी निकलते और ऐसे ज़रा खड़े होके निकलेंगे, थोड़ी सी स्पेस मिले। कितने के लिए? तो एक भाई पूछ रहा था भी भाई कितने के लिए, मैंने कहा 2। तो धीरे धीरे भाई करेंगे सब सेट, बाकी पाजी हो गया फैन भाई बाइक का, पाजी ना पूरा टाटा बाय बाय चल रहा है, तो मज़ा आ रहा है पूरा। और कैसे हो सर? बढ़िया। गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, और भाई पूरा ना पसीने आ चुके भाई। तो भाई हम बच्चे थे, हम भी यार कुछ ऐसी चीज़ देखते थे अलग, तो अपने भी दिल खुश हो जाता था, और आज बचपन याद आ गया। तो भाई जैसे GFR रोड पे चढ़े, बारिश आनी होगी स्टार्ट, और अपने भाई बजरंग बली तो अब पेंट हो चुका है यहाँ। सबसे पहले तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरू, जय श्री राम जय बजरंग बली। तो भाई बहुत बढ़िया कलर करा है इस टाइम पे, पहला कलर थोड़ा फेड हो गया था, लेकिन इस टाइम जो बजरंग बली लग रहे हैं ना भाई बढ़िया एकदम। तो अभी GFR रोड का लेते हैं भाई मज़ा। और यार मैं कल से यार बाइक पे ही हूँ, कल से मैं बाइक पे हूँ, देखो 3 बज गए, मतलब कल शाम का मैं चला हूँ बाइक पे ट्रैवल कर रहा हूँ, और बाइक पर बैलेंस हो गया पूरा ऐसा ख़तरनाक वाला। तो अभी भाई एक चीज़ तो समझ में आई अपने को, अब जैसे अगर मैं कंटिन्यू अगर मैं 4-5 दिन बाइक चलाऊँगा ना,
तो पूरा हाथ हो जाएगा मेरा सेट। तो मैं ये सोच रहा था कि पहले भाई खुद अपनी तरफ से प्रैक्टिस करूँ, उसके बाद ट्रैक पे जाऊँ। तो संतोष भाई से ट्रैक पे जाने के बाद सीखूँ, पहले जो मैं कर सकता हूँ मैं खुद अपनी तरफ से ट्राई करूँ, क्योंकि यार जो मेरा होगा उसके बाद उसमें बेस्ट कराएंगे वो, तो वो बेस्ट रहेगा। अब मैं संतोष भाई के पास जाऊँ, ऐसे बाइक चलाऊँ, उससे चाहे कि पहले मैं अपने अंदर देखूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और उसके बाद ट्रैक पे जाके बाइक चलानी सीखूँ। तो भाई अभी घर पहुँचते हैं और इस वीडियो को गाइस अभी यहीं करते एंड, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भाई हालत ख़राब हो चुकी, जाते सबसे पहले नहाने हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।